नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग, बिकॉज इंस्टेड ऑफ टू कंपैरिजंस हम आज के वीडियो में करने वाले हैं तीन कंपैरिजंस। पर वीडियो शुरू करने के पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, अलग अलग वीडियोस भी देख करके, दूसरे यूट्यूबर्स को देख करके, मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में वो प्रस्तुत करके बताता हूं कि आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो प्लीज, अगेन, ये रिव्यू वीडियो नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम चीज मैं लिख दूंगा। अब कुछ ही दिन पहले, यानी 2 दिन पहले, मुझे एक रिक्वेस्ट भी आया था। अंकित एम ने लिखा हुआ था कि भाई 2023 के लिए 55 इंच में बेस्ट टीवी पर वीडियो बनाओ अंडर 60K, LG, सैमसंग एंड सोनी विच आर द लीडिंग ब्रांड्स। तो अब ये जो बजट है 60K, इसमें आपका जो LG, सैमसंग और सोनी के एंट्री लेवल टीवी ही अवेलेबल मिलेंगे इस बजट रेंज में। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल दीज लीडिंग ब्रांड्स के एंट्री लेवल 4K टीवीज, जो है सोनी की X74K, LG की UQ7500 एंड सैमसंग की AUE65। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा यहां पे साइड पे कर दे रहा हूं ऐसे, ताकि आपको इसका मॉडल नंबर भी दिख जाए। तो हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखता है, और हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी को लेकर के। अब इन सारे टेलीविजन में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, और ये तीनों ही टेलीविजन में HDMI 2.0 है, HDMI 2.1 नहीं है। अब 4K 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। आप शायद ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई 4K 60Hz कैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सैमसंग की इस Amazon लिस्टिंग पेज पे चले जाऊं, यहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है 50Hz का रिफ्रेश रेट। अगर मैं सोनी की वेबसाइट पे चला गया, यहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है 50Hz रिफ्रेश रेट। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने में शायद एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, मैंने अपने पास्ट के कुछ वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड जो हम यहाँ इंडिया में भी फॉलो करते हैं। अब 50Hz एक्चुअली में टेक्निकली 60Hz ही है, वापस बता रहा हूं, ये शायद एक डेडिकेटेड वीडियो में मुझे अलग से एक्सप्लेन करना होगा। पर 50Hz का ये मतलब नहीं है दैट इट्स लिमिटेड टू 50Hz, क्योंकि आप ठीक अगर इस सेक्शन के नीचे यहाँ पे देखेंगे HDMI सिग्नल, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे गौर से 3840x2160p, अगर आप ये वाली सेक्शन देखेंगे यहाँ पे 24, 25Hz, 30Hz, 50Hz एंड इवन 60Hz, आप देख रहे हैं यहाँ पे 60Hz यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो ऑल दीज टीवीज जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये सारे शायद एडवर्टिजमेंट के लिए उन्होंने 50Hz लिखा हुआ है, बट इट्स फॉलोइंग द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। टेक्निकली दे आर ऑल 4K 60Hz पैनल्स। तो प्लीज आप ये सबसे पहले नोट कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स भी मारा हुआ है। अब तीनों ही टेलीविजन में आपको USB पोर्ट्स 2.0 के मिलेंगे, 3.0 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पर जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपके पास एक पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव हो, वीडियो देखना चाहते हैं थ्रू दैट पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव, इट्स हार्डली गोना मेक अ डिफरेंस वेदर इट्स 3.0 या 2.0। ऑप्टिकल पोर्ट्स तीनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स, ईथरनेट लैन, डुअल बैंड वाईफाई तीनों ही टेलीविजन में आपका स्टैंडर्ड है। ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है आपको सोनी और LG में 5.0 मिलेगा, सरप्राइजिंगली आपको सैमसंग AUE65 में 4.2 मिलेगा ब्लूटूथ का वर्जन। बट अगेन इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इट विल नॉट हैव एनी इशू। मेरी जो सैमसंग AU9070 है, जिसका मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू बनाया हुआ है, उसमें भी ब्लूटूथ 4.2 ही है, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं ब्लूटूथ वायरलेस TWS कनेक्ट करता हूँ, वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स कनेक्ट करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हाँ, हालांकि स्पेक्स ऑन पेपर 4.2 से बेहतर 5.0 है, इसलिए मैंने लाल यहां पे मार्क किया हुआ है, पर रियल वर्ल्ड आपका एक्सपीरियंस कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। अब फार फील्ड माइक्स आपको तीनों ही टेलीविजन में नहीं मिलेंगे, पर आपको तीनों टेलीविजन के रिमोट में एक बटन मिलेगा जहां से आप वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि सैमसंग में आपका बिग्सबी है, आपका गूगल है, एलेक्सा है, वैसे ही LG में भी आपका एलेक्सा है बिल्ट इन, आपका गूगल असिस्टेंट है, और आपका सोनी X74 तो गूगल टीवी के साथ आता है, तो आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा। प्लीज नोट कि एज फार एज रिमोट गोज, LG की UQ7500 है ना, उसमें आपको LG की मैजिक रिमोट बाई डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। तो आपको करीबन 1200 या 1500 रुपए, डिपेंड करता है आप कहां पे,
आपको उतना एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा टू गेट दैट मैजिक रिमोट, द न्यू मैजिक रिमोट विच इज कंपैटिबल विद LG UQ7500, और इसमें आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा वॉइस असिस्टेंट का भी। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं ऑडियो एंड साउंड। देखिए ऑडियो एंड साउंड के मामले में हालांकि तीनों ही टेलीविजन में 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, पर मैं ये आपको बता दूं कि सबसे जबरदस्त साउंडिंग स्पीकर्स इन 20 वॉट्स में से है एक्चुअली में सोनी की 20 वॉट्स वाले स्पीकर्स। द साउंड इज प्रीटी बैलेंस्ड, द ऑडियो फ्रीक्वेंसीज आर रियली गुड। तो 20 वॉट्स हालांकि यहाँ पे तीनों टेलीविजन में, आई वुड से X74 हैज द बेस्ट साउंड। अब LG UQ7500 में आपको एक वर्चुअल 5.1 का भी वो दावा करते हैं कि एक फीचर है, बट अगेन यू नो दीज आर ऑल मेरे हिसाब से पर्सनली आई फाइंड देम प्रीटी गिमिकी, बट आई विल टेल यू दिस दैट आई हैव हर्ड द LG UQ8050 का साउंड, नॉट द 7500, एंड दैट इज कंपैरेटिवली बेटर देन माय सैमसंग टीवी। सो मेरे सैमसंग AU9070 में भी 20 वॉट्स के स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ साउंड आई बिलीव सोनी विल बी द बेस्ट, फॉलोड बाय LG, लास्ट सैमसंग AUE65। हालांकि तीनों ही में 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, मैं ऑडियो फिडेलिटी की तरफ से बात कर रहा हूं, उस मामले में सोनी टेक्स द केक। तीनों ही टेलीविजन में दो स्पीकर का सेटअप है जो डाउन फायरिंग स्पीकर है, और सिंस दे आर दो स्पीकर सेटअप, दो चैनल स्पीकर सेटअप है, डॉल्बी एटमॉस का इनबिल्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट आपको तीनों में नहीं मिलेगा, बट सिंस तीनों टेलीविजन में आपको HDMI ER का सपोर्ट मिल रहा है, सो सैमसंग में आप डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। आप डॉल्बी जो साउंड है आप LG और सोनी में भी एंजॉय कर सकते हैं पास थ्रू के द्वारा। अब पास थ्रू की अगर हम बात कर लें, मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि ER का सपोर्ट ना X74K के सिर्फ 55 इंच वाले मॉडल एंड अबव में है। तो अगर आप 50 या 43 इंच ले रहे हैं उसमें ER नहीं आता है, उसमें सिर्फ ARC का सपोर्ट है। तो प्लीज नोट कीजिएगा, आज की जो ये कंपैरिजन है ना, मैं स्पेसिफिकली 55 इंच वाले मॉडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए उसमें आपको ER का सपोर्ट मिलेगा बट 50 एंड 43 इंच में नहीं मिलेगा। सो अगर आपको ER चाहिए चूज 55 इंच एंड अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द कन्फिग्रेशन एंड OS। अब कन्फिग्रेशन एंड OS के बारे में अगर हम बात कर ले, ऑब्वियसली सोनी में 2GB का रैम है, 16GB का स्टोरेज है, LG और सैमसंग दोनों ही में आपको 1.5GB का रैम मिलेगा और 8GB की स्टोरेज मिलेगी जिसमें से सिर्फ 4GB अवेलेबल होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो OS है इन दोनों टेलीविजन में, जैसे LG में LG की वेब OS है, सैमसंग में टिजन या टाइजन जो भी आप उसे बोल लें, ये कंपैरेटिवली लाइटर OS है कंपेयर टू गूगल या एंड्रॉइड टीवी OS। उस मामले के हिसाब से दे आर ओके विद 1.5GB रैम एंड 8GB। हाँ, अगर आप सारे एप्स को खोल करके विदाउट एग्जिटिंग दी एप्स अगर आप दूसरे एप्स खोल लेंगे, यानी कि बहुत सारे एप्स साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में भी चल रहे हैं, आपको दोनों LG और सैमसंग टीवी में लैग महसूस होगा। सो यू विल फील कि उसका जो OS है इतना स्मूथ नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आप जब भी एक ऐप खोले उस ऐप से आप एग्जिट कीजिए, उसके बाद दूसरे ऐप में जाइए। बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया हुआ है अबाउट सैमसंग टीवीज, मैंने बार बार अपने डिटेल रिव्यू में भी ये बताया है, मैंने दूसरे कंपैरिजन वीडियोस में भी बताया है, हैंड्स ऑन आपको बताया है कि स्टिल इन 2023 मेरे सैमसंग AU9070 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट स्टिल फंक्शंस रियली वेल, बिकॉज मेरी हैबिट है कि मैं जब भी एक ऐप खोलता हूँ ना उसे एग्जिट करके दूसरे ऐप में जाता हूँ। दूसरी बात, मैंने कोई भी फालतू का ऐप्स डाउनलोड नहीं किया हुआ है, मेरे टीवी में सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार एंड एप्पल टीवी है, दीज आर दी ओनली ऐप्स दैट आई प्रोबेबली वॉच। तो 4GB का स्टोरेज अभी भी अवेलेबल है, तो इसके कारण भी आपका टीवी एक्चुअली में स्लो डाउन हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐप्स को यूज नहीं करते हैं उसे अननेसेसरीली इंस्टॉल करके मत रखिएगा, आप उसे डिलीट कर दीजिएगा या अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, तो ये मैं बोलना चाहता हूं। पर हाँ, ऑन पेपर्स सोनी X74 इज कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज ऑफ 2GB एंड 16GB ऑफ स्टोरेज। अब रही प्रोसेसर की बात, देखिए हर एक जो ब्रांड है ना वो अपनी अपनी एक नाम दे देता है अपने प्रोसेसर को, जैसे सोनी बता रहा है 4K प्रोसेसर X1, LG बता रहा है Alpha 5 Gen 5 AI प्रोसेसर, वैसे ही सैमसंग बता रहा है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K। नाउ बिहाइंड द सीन्स दे आर ऑल 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर्स। So, तीनों ही टेलीविजन में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। अब टीवी OS की अगर हम बात कर लें तो गूगल टीवी आपको सिर्फ सोनी के टेलीविजन में मिलेगा, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली
मीडिया प्लेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे एमएक्स प्लेयर हो गया या फिर वीएलसी हो गया, तो वो सारे प्लेयर्स ना आपको एलजी की वेब ओएस या टिजन में नहीं मिलेगी, और आपको एप्स लाइक जियो टीवी, सैमसंग की टिजन ओएस या एलजी की वेब ओएस में शायद ना मिले। तो एप्स की अगर अवेलेबिलिटी की बात कर लेना, गूगल टीवी सबसे आगे है यहाँ पे, एंड दिस इज प्रोबेबली अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर समबडी हु वांट्स टू बाय अ टीवी। अब आप एलजी और सैमसंग टीवी में भी एंड्रॉयड टीवी एंजॉय कर सकते हैं। कैसे भाई? एक गूगल का क्रोमकास्ट कनेक्ट कर लो या मी बॉक्स कनेक्ट कर लो, पर उससे क्या होगा, आपका एक यूएसबी वाला पोर्ट चला जाएगा और एक एचडीएमआई पोर्ट चला जाएगा, पर आप एंड्रॉयड टीवी इन दोनों टेलीविजन में भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोज में ये हैंड्स ऑन आपको दिखाया हुआ भी है पास्ट में, आप मेरे चैनल में मेरी सैमसंग की डिटेल रिव्यूज को देखिएगा, उसमें मैंने बताया कैसे। तो दिस इज सब्जेक्टिव, सम पीपल लाइक लाइटर वेब ओएस या टिजन ओएस, सम पीपल लाइक गूगल टीवी ओएस बिकॉज ऑफ एप्स। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, मैंने इसीलिए यहां पे इसे लाल मार्क नहीं किया हुआ है। अब हम चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बाइंग अ टीवी, विच इज योर डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी। अब तीनों टेलीविजन आप बोल सकते हैं डिफरेंट है इन मेनी वेज, बिकॉज नंबर वन, आपको सोनी के X74 में IPS पैनल मिलेगा, LG की UQ7500 में भी IPS पैनल ही मिलेगा, पर Samsung की AU65 में आपको एक VA पैनल मिलेगा। एंड वेयर Samsung इज वेरी डिफरेंट टू दीज टू टीवीज इज कि LG और Sony डायरेक्ट लिट है और Samsung एज लिट है। आई एम kind of surprised कि 2022 वाले मॉडल्स में भी एज लिट वाली टीवीज Samsung बना रही थी। आई होप कि ये चेंज कर दें एंड दे ब्रिंग सम डायरेक्ट लिट, बिकॉज technology wise I would say edge lit is the last, then direct lit, then aapka fault channels aa jata hai. To us mamle mein ha main bol sakta hu ki edge lit piche specs wise, par personal experience se main aapko bata raha hu, implementation edge lit ki kafi achhi ki hai Samsung ne. Maine apne detail review mein aapko AU9070 ka panel ke bare mein bataya hua hai, jahan pe wo bhi ek edge lit tv hi hai, va panel, par itna khoobsurat wo contrast ratios ko batata hai na, और ब्लैक्स आर इनकी डीप ब्लैक्स। तो एक एडवांटेज आपको VA पैनल्स का ये होता है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और ब्लैक्स काफी डीप होते हैं, और IPS पैनल्स में आपको बेनिफिट मिलता है ऑफ व्यूइंग एंगल्स। अब सिंस ये 55 इंच वाले मॉडल्स है ना, आई वुड अज्यूम कि आप ये 55 या 65 यानी बड़ी टीवीज आप एक लिविंग रूम में ही रखेंगे, और जब आप एक लिविंग रूम में टीवी रखते हैं तो ऑब्वियसली परिवार वालों के साथ देखते हैं, और अगर परिवार वालों के साथ देखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी गोद में तो नहीं बैठेंगे, आजू बाजू बैठेंगे। तो उस मामले को कंसिडर करते हुए आई एम कॉन्फिडेंट कि व्यूइंग एंगल माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यू बाइंग अ टीवी। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि IPS पैनल्स आर बेटर देन VA पैनल्स, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स आर डेफिनेटली बेटर। तो आप ये सोच करके टीवी लीजिएगा हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से। ब्राइटनेस के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए, तीनों ही टीवी इतनी ब्राइट नहीं है, आपको बजट ब्रांड्स में भी इससे ब्राइट टीवीज मिल जाएंगे। Sony gets as high as 340 nits. आपका जो real world scene highlights है, आपको 340 nits का sustained brightness जिसे हम बोलेंगे, वो sustained या typical brightness जो है, वो 340 nit का है. In certain peak windows it can get higher, and that applies to all TVs here. 300 nits की peak brightness मैं बोलूँगा, this is actually a sustained या typical brightness. 300 nits, 340 nits, so Sony is comparatively better. Contrast ratio की भी अगर हम बात कर लें तो although दोनों LG और Sony में IPS panel हैं, पर सोनी की कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज कंपेरेटिवली बेटर बिकॉज इट हैज 2263:1 स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, और आपका एलजी 1100:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। आपका 4000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलेगा इन सैमसंग बिकॉज VA पैनल। अगेन, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज ऑलवेज बेटर। रिफ्रेश रेट के बारे में तो मैंने पहले ही बात बता दिया आपको कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट 50 हर्ट्ज, इट्स एक्चुअली 60 हर्ट्ज। सो 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है। Dolby Vision unfortunately is not available in any of these TVs because ये entry level models हैं इन सारे brands के, and entry level होने के कारण they don't have Dolby Vision। और surprising बात तो ये है कि Sony और LG दोनों में HDR 10 plus भी नहीं है। आपका Samsung AUE 65 HDR 10 plus को support करता है, and it is the only TV here जो HDR 10 plus को support करता है। HLG का सपोर्ट आपको तीनों में मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको सोनी के टेलीविजन में नहीं मिलेगा, सरप्राइजिंगली। वाओ,
ऑल्दो दे मेक सोनी प्ले स्टेशन, बट यहाँ पे आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं मिलेगा, जो आपको एलजी के टीवी में मिलेगा, सैमसंग के टीवी में मिलेगा, एमईएमसी आपको तीनों ही टेलीविजन में मिलेंगे। अलग अलग टीवी अलग अलग चीज बुलाती है इसको, जैसे मोशन एक्सआर फ्लो बुलाती है सोनी अपनी एमईएमसी को, तो तीनों टेलीविजन में अवेलेबल है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट तीनों ही टेलीविजन में अवेलेबल नहीं है। सम बजट ब्रांड टीवीज आल्सो हैव नाउ स्टार्टेड ऑफरिंग वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जैसा कि व्यू, ग्लोलेड या हाइसेंस टोनेडो। HGIG जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग होता है, वो सिर्फ LG के टेलीविजन में अवेलेबल है। आपकी सोनी के टेलीविजन में इनकी अपर मॉडल्स लाइक X90K एंड ऑल दैट, आपको डायनामिक कलर टोन मैपिंग उन टेलीविजन में मिलेगा, पर इसमें नहीं मिलेगा एंट्री लेवल। डेडिकेटेड गेम मोड आपको तीनों ही टेलीविजन में मिलेगा, पर सोनी के टीवीज में आपको एक डेडिकेटेड सेटिंग पैनल मिलेगा गेम का। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, एक ऐसा आपको पैनल मिलेगा जहां पे आप अपनी FPS देख सकते हैं, गेम साउंड, ब्लैक स्टेबिलाइजर, लो लेटेंसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट हे, मैं एक चीज आपको बता दूं कि सिंस दिस इज जस्ट अ 60 Hz पैनल, इतना ज्यादा आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये 120 Hz होता तो तब जाके आपको मजा आता कि भाई आप फ्रेम रेट्स भी देख रहे हैं। पर अच्छी बात है कि LG में ये डेडिकेटेड सेटिंग्स पैनल है गेम के लिए, जो सैमसंग और सोनी में नहीं है। फुल अरे लोकल डिमिंग का तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। दीस अ बजट बोल सकते हैं एंट्री लेवल टीवीज फ्रॉम दीज बिग ब्रांड्स, बजट टीवीज फ्रॉम बिग ब्रांड्स, इसीलिए डिमिंग जोन्स भी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सोनी की X74 है, जो 50 इंच के जनरली टीवीज होते हैं ना, दे जनरली कम विद 50 इंच में VA पैनल्स के साथ। तो आप जब भी 50 इंच ले रहे हैं ना, ये मॉडल स्पेसिफिक होता है। मोस्ट ऑफ द टीवीज, इवन दो इट्स एडवर्टाइज्ड एज IPS, उनके 50 इंच मॉडल्स स्टिल आर VA पैनल्स। तो आप हमेशा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछिएगा अगर आप शोरूम में जाकर के इसे ले रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं ना, ऑलवेज बी अवेयर दैट अ 50 इंच पैनल इज मोस्टली अ VA पैनल। अब ये क्यों है ऐसा केस, वो आप मुझे मत पूछिए, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब हम चलते हैं, फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, प्राइस को देखते हैं, और मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा कि अगर मैं आपके जगह पे होता तो कौन सी टेलीविजन लेता। तो सबसे पहले अगर हम साइज देख लें इन तीनों टेलीविजन के, तो सैमसंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ साइजेस अवेलेबल, क्योंकि सैमसंग सिर्फ 43 एंड 55 इंच में अवेलेबल है। LG आपके तीन साइजेस में अवेलेबल है, 43, 55 एंड 65। Sony is the only one जहाँ पे आपको चार sizes available मिलेंगे यहाँ पे, 43, 50, 55 and 65 inches। और price अगर आप देख लें, Sony is obviously the most expensive here, तो even for the 43 inch वो 41,990 charge कर रहे हैं, but since आज की TV है या आज की video है about 55 inch TVs, it is the most expensive in this lot, 58,990। and मेरे हिसाब से at that price point it does not justify the price tag. हाँ, साउंड इज स्लाइटली बेटर, बट इट इज ओनली स्लाइटली बेटर। अब सैमसंग की AUE 65, हालांकि इट इज द चीपेस्ट टेलीविजन इन दिस रेंज, 45,990, मैं वो भी यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज 55 इंच है, तो 55 इंच में आई एम अज्यूमिंग कि आपको व्यूविंग एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके कारण आज के कंपेरिजन में अगर मुझे एक टीवी लेना होता, आई वुड हैव टेकन LG की UQ 7500। नंबर वन IPS पैनल है, नंबर टू प्राइसिंग इज वेरी कंपेरेटिव। अगर मैं इसमें मैजिक रिमोट का 1500 रुपए भी जोड़ दू ना, तभी भी इट विल बी चीपर देन सोनी की टीवी। उसमें मेरे को गेमिंग के लिए एक डेडिकेटेड पैनल मिल रहा है, एंड आई एम अ गेमर, आप जानते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं भी करते हैं ना, तभी भी इसकी IPS पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियो फ्रॉम द 2021 वाली मॉडल्स ना काफी इंप्रूव हुए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज में LG UQ 8050 के कुछ जो स्नैपशॉट्स है वीडियोज में मैंने आपको दिखाए हुए हैं, आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इसकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड UQ 7500, 8000 सीरीज भी, दे ऑल फॉलो द सेम पैनल, इट्स एन IPS पैनल इन 55 इंच, और काफी अच्छा है फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट परस्पेक्टिव। हालांकि पेपर में इट माइट बी लोअर, बट इन रियल लाइफ इट्स नॉट दैट बैड। मैंने दोनों टीवी X74 एंड UQ 8050, इनफैक्ट इवन UQ 7550, which is a variant of UQ 7500 only, आप बोल सकते हैं देखा। इनफैक्ट मेरे फैमिली में, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, एक लिया था, फिर उन्होंने दो ले लिया, उनको इतना अच्छा लगा UQ सीरीज का ये LG वाला जो टीवी है। तो फ्रॉम दैट प्राइस टू वैल्यू परस्पेक्टिव, आई थिंक इट जस्टिफाइज दैट प्राइस टू वैल्यू, और लीडिंग ब्रांड है LG का, वो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा कि भाई LG लिया है मैंने।
हाँ, आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा इन दैट रिमोट। एंड इवन फ्रॉम दी आप बोल सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी पर्सपेक्टिव, आई वुड से दैट ये सोनी को बराबरी की टक्कर देगा यहां पे। ऑल्दो ऑन पेपर्स इट्स नॉट एज गुड इन कॉन्ट्रास्ट, बट बराबरी की टक्कर है, 19-20 का मामला है, आपको पता भी नहीं चलेगा अनलेस यू आर वॉचिंग दीज टू टीवी साइड बाई साइड। Samsung obviously contrast ratio mein is better, but again I'm not recommending it simply because 55 inch ke bare mein baat kar raha hu. Haan, agar aap 43 inch le rahe hain aap Samsung ki TV le sakte hain, kyunki I'm assuming ki jab aap 43 inch wali TV le rahe hain aap itne angle se nahi dekhenge, aap straight baith ke dekhenge, so then it becomes most value for money kyunki ye 30,000 rupaye ke niche mil raha hai aaj ke din mein. To agar aap 43 inch le rahe hain Samsung ki AUV 65 aap consider kar sakte hain. Agar aap 55 inch le rahe hain तो प्लीज डू कंसिडर एल जी यू क्यू 7500, पर अगर आप 65 इंच ले रहे हैं देन यू कैन इवन कंसिडर एल जी की सॉरी सोनी की X74, बिकॉज इट इज चीपर देन दी एल जी यू क्यू 7500 इन टर्म्स ऑफ 65 इंच, बट आज के कंपेरिजन में द विनर वुड बी एल जी यू क्यू 7500 इन द 55 इंचेस। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता हूँ। तोशीबा की M550 LP, विच इज नॉट अ लीडिंग ब्रांड बट इट्स अ बजट ब्रांड, पर इट इज अ फॉल्ड पैनल यानी फुल अरे लोकल आपको डिमिंग मिलेगा इसमें, साथ ही में आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, आपको सब वूफर मिलेगा इस टीवी में, साउंड इज कंपैरेटिवली बेटर ट्यून बाय ऑनक्यो, और ये ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस पॉइंट मिलेगा, इनफैक्ट सस्ते में मिलेगा देन एलजी यूक्यू 7500। तो इट इज अ ग्रेट बाय, इट इज अ क्यूलेट, इट इज नॉट जस्ट एन एलईडी। आपको अगर उससे भी कम बजट में कोई टीवी चाहिए इन 55 इंच रेंज एंड विद एन आईपीएस पैनल, then Hisense Tornado 2.0 makes a lot of sense. 55 and 65 inches iske IPS panels wale TVs hain. Aur agar aap gaming karte hain, then definitely consider the Hisense U7H, kyunki this is the only TV which is below 45,000 jo aapko native 4K 120 Hz ka refresh rate de raha hai with HDR. So these are my, bol sakte hain, worthy alternatives recommendation of this video. So aapko kya lagta hai कि अगर मुझसे कुछ छूट गया है इन टेलीविजन्स को लेकर के, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और साथ में अगर आपके कोई सवाल है वो भी आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी यह दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब को दबा दें और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी एक नई वीडियो आ गई है। एक और मेरी दरख्वास्त है, यूट्यूब के एल्गोरिदम हाल ही में चेंज हुई है, तो अब YouTube आपको पॉइंट्स देता है, यानी हम जैसे यूट्यूबर्स को पॉइंट्स देता है इवन व्हेन आवर वीडियो इज शेयर्ड। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें टेलीविजन खरीदना है, आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वापस YouTube एल्गोरिदम के साथ हेल्प करेगा, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करेगा, आप मेरे चैनल को उस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। एक और वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एनी ऑफ दीज टीवीज, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी जब भी आप लिंक को क्लिक करके एक टीवी को परचेस करेंगे। मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको ट्रांसपेरेंटली ये बताना चाहता हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं एक टीवी को पुश कर रहा हूं, आप कोई भी ब्रांड ले मुझे एक कमीशन मिलेगी, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल को एक और वे में सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लिंक को क्लिक करके भी टीवी खरीद करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इट्स अ रैप फॉर दिस वन, और Till we meet in the next video, मैं कहूंगा take care, stay safe, and may God bless you all.